नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ, मैं हूं राकेश। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद सियासत और भी तेज हो गई है। अब श्याम रजक के आरजेडी में जाने का जवाब जेडीयू ने 3 विधायकों की अपनी पार्टी में एंट्री करा कर दिया है। इसके अलावा सासाराम से आरजेडी विधायक अशोक कुमार भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कार्यालय में इन विधायकों को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव के साथ साथ मंत्री श्रवण कुमार की मौजूदगी में इन्हें सदस्यता दिलाई गई। आदरणीय प्रेमा चौधरी जी, जो पातेपुर से विधायक हैं और 1995 में समता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी हैं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मेरी घर वापसी भी है, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं महेश्वर भाई, जो लड़ाकू नेता है, जुझारू नेता है। इनसे लंबे अरसे से, तकरीबन 25 वर्षों से, जब मैं विधायक नहीं था, संगठन का काम देखता था, उस समय से मुजफ्फरपुर में संघर्ष करते रहते थे। महेश्वर भाई लड़ाकू समाजवादी नेता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार जी काफ़ी मेहनती नेता हैं, हमेशा संघर्ष रत रहते हैं और इनसे भी हम लोग का पुराना लगाव है, संबंध है, और इनका भी इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ। प्रेमा जी 3 बार विधायक, 3 टर्म के विधायक हैं और महेश्वर भाई 5 बार विधायक। सर थोड़ा पकड़ लीजिए, सर थोड़ा पकड़ लीजिए। के साथ उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री श्री नीरज कुमार जी और हमारे मोहम्मद अब्दुल। तो चुनाव बेहद ही नजदीक है, ऐसे में पार्टी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, पार्टी से नाराज चलना, पाला बदलना, ये सब आम बात हो गई है। आगे आगे देखिए होता क्या है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और तय समय पर ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विधायकों का आना जाना और पाला बदलना, ये लगातार इसकी जो कड़ी है वो कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ये सिलसिला आगे चलता ही रहेगा। बहरहाल कौन से नेता किस पार्टी में जाते हैं, इसका खेल अब से शुरू हो चुका है। अब लगातार आपको इस तरह की जो तस्वीरें हैं हमेशा नजर आती रहेंगी। बहरहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।